गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट फोर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो आगे करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कुछ बातें हैं, ठीक है। तो इस बार दो चार पॉइंट और हैं, वो भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा पॉइंट वाइज। ठीक है, क्योंकि SSC के CGL में ये मेंस में 20-25 भी आ सकते हैं, ठीक है। 4-5 तो आ ही जाते हैं प्री के अंदर भी, तो इनको एक एक नंबर के लिए लड़ना होता है, आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं है। और आसान भी छोड़ देंगे, आसान माना जाता है, इसको करते समय अगर आपके मुंह पे इंग्लिश छिड़ी भी तो बहुत, मतलब 20 सवाल आप 5 मिनट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। और बाद में बताऊँगा भी करना तो और भी मैं तो पूरे तरह के बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में तो बहुत आसान आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैंने वो नंबर नहीं लगाया था लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस विथ क्लॉजेस। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, एक एक ही एग्जाम्पल देना सब हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस हो ना आपका, पीपल बिलीव, ठीक है ना, पीपल कंसिडर, किसी ने एलिज किया, समन एलिस्ट, तो उसको शुरू करना इट इज एलिस्ट। और आगे वाला क्लॉज अगर आपका उसमें भी ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको पैसे में बना दूँ, मैं अभी दोनों उदाहरण आपको दूंगा। और नहीं है तो ये इसी से बन जाएगा, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से सीखो आपको। People consider that, ये उदाहरण हो गया, People consider that he is diligent. ये जो that he is diligent है, diligent मतलब आपका वो मेहनती है, तो इसमें तो कोई ट्रांसिटिव वर्ब तो है नहीं, तो people consider का ही पैसिव वर्ब बनाना है, तो आप बनाओगे it is considered that, बस समझ आया आपको। और आगे सेम लगा देना है, इट इज कंसिडर दैट, सेंटेंस पैसिव वर्ब बन गया। अपने यहाँ ये भी सिखाना पड़ता है, अदरवाइज कोई तुक नहीं है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है समन एलिस्ट, किसी ने ऐसा आरोप लगाया, और अगर ये जो क्लॉज है इसके अंदर ही अब आपकी ट्रांसलेटिव है, ठीक है, समन एलिस्ट दैट रवि स्टोल हर बैग, तो आप दोनों पार्ट के पैसे में बना सकते हो। तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में तो बोलो इट वॉज एलिस्ट that Ravi stole her bag, ये ट्रांसलेटिव वर्ब है इसमें, तो आपका हर बैग को पहले लिया, that her bag was stolen by Ravi। एक एक बार इनका करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बताने लायक भी नहीं है। अगर इस सर ने शुरू हो रहा है कि we understand that Corona is going to be पार्ट ऑफ अर लाइफ, कुछ नहीं करना है। जो सेकंड का जो दैट वाला क्लॉज है उसमें तो कोई ट्रांसलेटिव वर्ब है नहीं, तो वी अंडरस्टैंड हो जाएगा इट इज अंडरस्टूड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, इसलिए इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, और आगे मैं लिखने रहा हूँ दैट के बाद में सेम वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें देर इज नथिंग इन इट, इसको आप कीजिए। अब आ जाओ हाउ टू ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस इन विच डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स आर यूज्ड। मेरे ख्याल सबको पता है डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ये वर्ब्स होती हैं जिनके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका गिव है, लैंड है, ओ है ना, आपका बाई है, गिव है, और भी अगर चाहे तो मैं आपको लिख भी दूंगा इनको। ठीक है, तो इनमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक आपका डायरेक्ट है आपका इनडायरेक्ट। इफ आई से आई गेव हिम माई पेन, मैंने उसको अपना पेन दिया, तो इसमें जो गिव है आपका ये आपकी ट्रांसलेटिव तो है नो डाउट, लेकिन ये डाई ट्रांसलेटिव है। डाई ट्रांसलेटिव करता होता है बच्चों, डाई का मतलब दो होता है, ट्रांसलेटिव इसके दो दो ऑब्जेक्ट हो। जनरली इसके पैसिव फॉर्म जैसे दिया गया वैसे ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे उल्टा भी दे सकते हैं एग्जाम में ऑप्शन। ठीक है, इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक का हिम को सब्जेक्ट बना दो, है ना, ही वॉज, और पैसे गेव का हो जाएगा ही वॉज गिवन माई पेन, ऐसे कह सकते हो आपका, और भाई को लगा दो भाई के फैक्टर में बाई मी, और इसको आप माई पेन को पहले ले आओ उसको सब्जेक्ट बना दो, माई पेन वॉज गिवन टू, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, माई पेन वॉज गिवन टू हिम बाई मी, ये भी आपको समझ में आ गया नहीं है,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में धोखा ना खाएं, ठीक है। तो जब कभी भी इफ आई से आई ओ हिम माय लाइफ, बड़ा सुंदर सेंटेंस है वैसे ही, ये आप सेंटेंस आपने तब बोलना होता है कि जब किसी ने आपकी ज़िंदगी बताई या किसी ने आपका कोई ज़बरदस्त काम किया, ठीक है ना, आपकी तैयारी करवा दी, आपका कहीं सिलेक्शन करवा दिया, नौकरी दिला दी, तो यार इसका अर्थ होता है कि मैं मेरी मेरा जो ज़िंदगी है ना, ठीक है ना, अब उसकी कर्जदार है, यानी मेरी ज़िंदगी उसकी है बस। अब इसके दो दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ट्रांसलेटिव का ये आपका फॉर्मूला होता है, जब इनका इस्तेमाल आप करते हो तो पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट। इसको मैं ऐसे लिखा करता हूँ, ठीक है, आई होप कि आपको ये दिखा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, वो आता है डायरेक्ट, ये इसका प्रयोग होता है, समझ गए आप। आई ओ हिम माई लाइफ, ठीक है, मेरी ज़िंदगी उसी की है। ओ का मतलब किसी का कर्जदार होना, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई ओ हिम सम मनी, हाँ आई ओ हिम, मुझे उसको कुछ पैसे देने, मैं उसको कुछ पैसों का कर्जदार हूँ, किसी भी सेंटेंस का पैसा मैं बना लूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसके भी दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम है, दूसरा जो पहला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है, ठीक है ना, इसका जवाब होता है टू हुम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है व्हाट, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ऐसे सिखाने वाला, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाले को करता हूँ पैसे में मना रहा हूँ, तो हिम का शब्द ही जो ही हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो ही हो जाएगा, ही इज ओड, ही ओड सम मनी, हो गया पैसे फॉर्म, ठीक है। और सम मनी को पहले बनाओगे तो सम मनी इज ओड, अब इसमें एक मैंने आपको कहा था एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, सम मनी इज ओड टू हिम बाय मी, दोनों में लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या बाय मी लगाते हैं ना आपका, तो हमारे तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उसको आप लगा लो, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई आपको। तो जितनी भी ऐसी ट्रांसलेटिव वर्ब होती हैं, ठीक है, और अगर आपको ये ट्रांसलेटिव वर्ब सीखनी है मैं लिख देता हूँ, ये और कहीं भी आपके काम आएंगे, लिखो आपका, और साथ में एक एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, चलो, ठीक है ना आपका। आपने कहा इट ब्रॉट मी लक, इट ब्रॉट मी लक, पहला जो होता है आपका इन ट्रांसलेटिव वर्ब होता है वो पर्सन के लिए होता है, ध्यान रखना। तो उसमें जो प्रनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रनाउन आदमी के लिए हो गया, या कोई आदमी का नाम होगा, इट ब्रॉट रवि लक, तो नाम लिख दो इस बार कि ये चीज रवि के लिए लक लेके आया, तो पता लग गया बच्चों इसमें ब्रिंग आपका वो है डाई ट्रांसलेटिव वर्ब है, ठीक है। तो एक तो आप पहला आपका बनना चाहिए रवि से, एक्चुअली रवि was brought luck, right, ये चीज जो है ना आपका भाई इतने होगा थ्रू इट होगा, ये प्रपोर्शन सही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा लक से शुरू कर दो, लक वॉज ब्रॉट टू रवि, लक वॉज ब्रॉट टू रवि थ्रू इट, तो एक एक वर्ब दे रहा हूँ आपको, लीव, और ये आपको इनको मैंने स्पोकन इंग्लिश के उसमें भी डालना है, बहुत अच्छे अच्छे हैं आप, ठीक है। डाइट ट्रांसलेट लीव का मतलब छोड़ना होता है, तो लेकिन डाइट ट्रांसलेट इसका मीनिंग तो प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने कहा मैं ग्रैंडपा लेफ्ट मी, आप देखो फिर आपका लेफ्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, पहले इंडायरेक्ट आता ना आपका, वो पर्सन के लिए, माई ग्रैंड पा लेफ्ट मी अ फॉर्चून, इसका अर्थ हो गया काश ऐसे दादू साह सबके हों, मेरे भी होते, तो इसका मतलब मेरे दादू साह ने मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ के गए, छोड़ के गए का मतलब क्या हुआ, दादू साह नहीं है दुनिया में, उनका स्वर्गवास हो चुका है। फिर आपका बनाओगे लेफ्ट का जो ऑब्जेक्ट है मी और आई हो जाएगा, आई वॉज लेफ्ट लीव लेफ्ट लेफ्ट आई वॉज लेफ्ट अ फॉर्चून, हो गया आई लेफ्ट अ फॉर्चून बाई माई ग्रैंडपा, ठीक है, हो गया शानदार प्रयोग, ये लीव का प्रयोग हो गया। मैं सारे नहीं बताऊंगा आपको, अभी सारे क्या बताने,
फिर कि मैं ये स्पोकन इंग्लिश का वीडियो देखना, सारी इसमें अगले में डाल दूंगा इसको कि कैसे आपने डाइट ट्रांसजो वर्ब का इस्तेमाल करना है। और ये स्पोकन इंग्लिश के जो वीडियो मेरे आपको डाल रहा हूँ, ये आप लोगों की कंडीशन देख के मैं डाल रहा हूँ, तो इनको भी पढ़ते रहना, बोलते रहना, इससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है ना आपका, कि पास मी द डिश, उसने मेरे को डिश पास की, डिश पास समझते हो ना, पकड़ा ना, टेबल खाना खा रहे थे तो वहाँ से डिश उसने आपको पकड़ा दी। सिंपल है क्या, इसमें मुझे सिखाने मजा भी नहीं आ रहा है। आई वॉज पास्ड द डिश बाय हिम, ठीक है, और डिश को पहले लगा दो, द डिश वॉज पास्ड, द डिश वॉज, अरे यार, द डिश वॉज पास्ड टू मी बाय हिम। तो दो दो ट्रांसलेट वाले मैंने बता दिया आपको, इन्फिनिटी को वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर ही बता देता हूँ, ठीक है, हाउ टू चेंज इन्फिनिटिव बता चुका हूँ, पहले मैंने बताया ना आपको। अगर मुझे कहना हो कि सी इज टू गिव अ स्पीच ऑन दिस ओकेजन, उसको इस अवसर पर एक स्पीच देनी है ना, तो क्या कहोगे आपका, आई स्पीच टू गिव का जगह इज टू बी गिवन, टू बी गिवन है ना, आई स्पीच, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जो आपका इन्फिनिटिव है टू गिव, इसका आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीच है, तो पहले आ जाएगा आई स्पीच, और टू बी, टू गिव का क्या हो जाएगा, टू बी गिवन, इसका ईजी रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट और सी दोनों सिंगुलर थे। आई स्पीच इज टू बी गिवन, ठीक है ना आपका, बाई हर ऑन दिस ओकेजन, और बाई हर को बाद में लगा सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक एक दो दो उदाहरण बहुत हैं जिनके ज़्यादा वो चक्कर नहीं है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट, हाउ टू, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस, ठीक है ना आपका, हैविंग जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स, वट एवर यू कॉल देम, आपके एनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे, जेरेंट है मुझे, ठीक। एक लड़के ने कहा, इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर टेकिंग मी फॉर अ वॉक, मुझे याद है दादू साहब मुझे घूमने ले जाते थे, ठीक ना। इसमें जो पैसिव वर्ब बनना है, आई रिमेंबर तो बनेगा नहीं क्योंकि वो आपके वर्ब ट्रांसिटिव नहीं है, ये माई है, सॉरी हम माई नहीं है, ठीक है, तो टेकिंग का बन जाएगा बींग टेकन। ये हम तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए बच्चों, फटाफट एक एक मिनट के अंदर, तो आई रिमेंबर से शुरू करो उसको, आई रिमेंबर, यहाँ हो जाएगा बींग ग्रैंडफादर, तो भाई के फैक्टर में चला जाएगा पीछे, भाई भाई माई ग्रैंडफादर आएगा लास्ट में, तो यहाँ पर आपने माई रिमेंबर बींग टेकिंग हो जाएगा बींग, आई रिमेंबर बींग टेकन फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, और ग्रैंडफादर के भाई के फैक्टर में डाल दो, बाई माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर जो लेना चाहो। आई होप कि समझ आ गया बच्चों, दिस वेरी इंपॉर्टेंट आप, ठीक है। एक शब्द लिखो आपका, ही फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम, ठीक है, कई जगह आपको लाफ के साथ में ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन ऐड लगाना है इसमें, ही, सॉरी क्या लिखा है मैंने, ये ही फाउंड हिज, ओहो फ्रेंड्स में नहीं लिखा, ही फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम, स्ट्रेट अप, तो उसने देखा कि उसके दोस्त उस पर हंस रहे हैं, फिर ये मत कहते ना इसका पैसा मम, ही फाउंड हिज फ्रेंड्स का, हिज फ्रेंड्स वर फाउंड, क्या तुक्का है ये, बेतुका, ठीक ना, नहीं तो क्या बोलोगे, हिज फ्रेंड्स वर फाउंड, ठीक ना आपका, टू बी लाफिंग, लाफिंग का टू बी लाफिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है, या बींग लाफ्ड एट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ आपको, तो ही फाउंड, सॉरी इसका फिर हो जाएगा, ही फाउंड हिज फ्रेंड्स ये, ही फाउंड हिज फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये ही और हिम एक ही है, ये कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड में चेंज करता हूँ,
मैं रवि इसको चेंज करता हूँ, रवि खुद का होगा तो फिर आपको थोड़ा सा बनावट सेंटेंस की चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसने ये देखा कि उसके दोस्त रवि पास रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहोगे? ही फाउंड रवि बींग लाफ्ड एट, और हिज फ्रेंड कहाँ से लाएगा? बाई के फैक्टर में, बाई हिज फ्रेंड्स। अगर ये जो पहले मैंने संदेश दिया था आपको, उसको मैं दोबारा देता हूँ आपको, हालांकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ ये हिम भी वही है और ही भी वही है, तो क्या कहोगे? फिर कैसे बनाओगे आप? तो आपको ना पड़ेगा ही फाउंड हिमसेल्फ, आर गेटिंग माय पॉइंट? ये हिम कौन है? ये यही है, तो क्या कहोगे? ही फाउंड हिमसेल्फ, थोड़ा ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ही फाउंड हिमसेल्फ बींग लाफ्ड एट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बींग ही फाउंड बींग लाफ्ड एट बाई हिज फ्रेंड्स, ऐसे बोलना पड़ेगा। थोड़ा आराम से करना बच्चों, उसको घर में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट बन गया है। ही फाउंड हिमसेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई हिज फ्रेंड्स, तो उसने पाया कि उसके दोस्त उस पर, अगर ये ही और हिम दोनों एक ही हैं तो ठीक है ना, ठीक है, ये बोल जो रहा है ना आपका, जो जिस मतलब ये सेंटेंस बोला है उसी पे उसके दोस्त हंस रहे हैं, तो आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करना पड़ेगा। ही फाउंड हिमसेल्फ, ही फाउंड हिम तो नहीं बोला, हिम बींग लाफ्ड एट गंदा लगेगा, ही फाउंड हिमसेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई हिज फ्रेंड्स, बड़ा सुंदर प्रयोग है। हाँ, तो ये थे, आपने ध्यान रखना, ठीक है। I saw him stealing your bag. तो इसका क्या बनेगा? अब यू नो ये बस सीन ये बेतुका है, क्योंकि इसमें जो मेन आपका पैसिव फॉर्म बनाने का है वो ये आपका पार्टिसिपल है। I saw your bag being stolen. Stealing का बन जाएगा being stolen by him. तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ में आपने इनको करना है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, दो चार सेंटेंस अपने आप बना लेना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कई चीज़ें ऐसे मैंने आपको कहा भी था बच्चों कि आपस में ओवरलैप करती हैं, है ना, तो क्या था वो मैं भूल गया, हाँ दैट्स राइट, तो मैं ये कह रहा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, शायद मैंने ये जो इसमें आपको कराए थे, क्या नाम इसमें अभी तो कराए हैं, जस्ट राइट, बेयर इन्फिनिटी में कुछ वर्ब थी ना बच्चों, लिखो देखें आपका, ये कुछ लिख लो, एक आपका एडिंग लगा दो, ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस इन विच फॉलोइंग वर्ब्स हैव बीन यूज्ड, जिनमें ये फॉर्म वर्ब आपकी यूज होती है, एक एक करके बताता हूँ आपको। जैसे पहली वर्ड लो आपका लेट, एक तो मैंने आपको, हाँ इसी में मैंने बताया था आपको लेट का प्रयोग, कि लेट के एक्टिव और पैसिव फॉर्म में जो इसके साथ में फिर इन्फिनिटी का प्रयोग, टू इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही लेट मी टच इट, उसने मेरे को हाथ लगाने दिया, तो इसमें आपको ये नहीं कहना आई वॉज लेट टू टच, आई वॉज नहीं, मत कहना, ये लेट अपवाद है, आई वॉज लेट टच इट, ठीक है, और बाई हिम बाद में लगा दो। ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है इसको, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसमें एक लेट ही है जिसके सेंटेंस में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल, टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं कहीं इसको लिख देता हूँ, हालांकि बता चुका हूँ लेकिन आप लोग याद रखते नहीं हो, ठीक है भाई, आप सब एक साथ कैसे लिखूं, एक एक को देखो आप, लेट का एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना आपका, लेट इज नॉट फॉलोड बाई टू इन्फिनिटिव, ये अपवाद है, ध्यान रखना, इन एक्टिव, क्या लिख दिया मैंने, इन एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म, ठीक है, और इसकी जो कैटेगरी की दूसरी वर्ब है जैसे बिड है, तो उसका एक्टिव में टू इन्फिनिटिव नहीं आता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में टू इन्फिनिटिव आएगा, ये मैं लिख भी देता हूँ,
ठीक है, इन दी फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है, टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन, अरे नहीं यार, इन द फॉलोइंग वर्ब्स बेर इन्फिनिटिव, टू नहीं, बेर इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन एक्टिव फॉर्म, इन यानी एक्टिव वॉइस, एंड टू इन्फिनिटिव, ठीक है ना आपका, इन पैसिव फॉर्म। अब मैं एक एक करके उदाहरण दे रहा हूँ, सब मेरे को कितनी बार पढ़ाना पड़ता है यार, अगर आपको पढ़ाओ आपको याद हो तो मुझे पढ़ाने की कहाँ जरूरत है आपको, बिड, और बिड के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी, याद रखना बिड के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक बिड का मतलब कहना होता है, तब इसके वर्ब की फॉर्म होती है, ऐसा ना वर्ब की फॉर्म में अटक जो आप बिड बेड और बिडन, इसका तो टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, दैट्स कॉल्ड बिड, ठीक है, भी बात समझ रहे हो बच्चों की, समझ रहे हो यार, मेरे को मरवाओगे बाद में, ठीक है, अगर मुझे कहना हो कि मैंने उसको जाने के लिए, मैं कहूँगा आई बेड हिम लीव, ऐसे बोलना आपने, आई बेड हिम गो, आई बेड हिम लीव, तो उसको मैंने जाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कह रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के उसमें डाल दूंगा ताकि आपकी आदत बने, आप बोलते तो ही नहीं आपको, दैट्स राइट, आई बेड बेड हिम लीव इमीडिएटली, मैंने उसको कहा तू तुरंत चला जा, पापा आने वाले हैं, बोलो, बोलना है नहीं आपको। अब इसका पैसिव बनाओगे तो बेड का जो आपका ऑब्जेक्ट हिम है वो ही हो जाएगा, आप सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वाज बिडन हो जाएगा, अब आपको टू इन्फिनिटिव करना, ही वाज बिडन टू लीव, इमीडिएटली बाद में लगा दो, ठीक है, और आप लगाना लगा तो मैं लिख दूँ, चलो लीव इमीडिएटली बाय मी, जो जो वर्ब मैं अब लिख रहा हूँ उनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्प का भी मैंने आपको एक प्रयोग बताया था कि हेल्प के साथ में आप बेयर और टू इन्फिनिटिव दोनों लगा सकते हो एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, ही हेल्प मी, और ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, मैंने आपको डिक्शनरी में एंट्री बताई थी, ध्यान रखना आप, ही हेल्प मी बाय दिस हाउस, उसने इस मकान को खरीदने मेरी मदद, और इसमें आप टू भी लगा सकते हो, और पैसे फॉर्म में तो लगाना लगाना आपने टू इन्फिनिटिव, बात समझ आ रही है, यहाँ आपके पास में ऑप्शन है। अरे बच्चों मैंने बताया था आपको याद होगा पक्का यार, पढ़ते तुम हो नहीं तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, आप जो पढ़ाता हूँ अगर सब कुछ तुम्हें याद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोई भी एग्ज़ाम पास होने से, अच्छा पास ही नहीं होना है, सिलेक्शन जोन में आने से नहीं रोक सकती, पर पढ़ते तो हो ही नहीं, एक चीज़ को 20 बार बताता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल मैंने आपको 20 बार दे रखा है एग्जाम में, सॉरी इसमें क्लास में, द 10,000 pound लोन फ्रॉम द बैंक हेल्प हर स्टार्ट हर ओन बिजनेस, तो बैंक से 10,000 pound का चिन्ह है आपका लोन ने उसको अपना बिजनेस स्टार्ट हर ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में मदद की, तो स्टार्ट जो आपका ये बेयर इन्फिनिटिव है इसके आगे टू भी लगा सकते हो, समझ में आया आपके नहीं आया, अरे भाई समझ में आया बच्चों, तो इसके ध्यान रखना, लेकिन पैसिव फॉर्म जब बनाओगे तो आपको टू इन्फिनिटिव लगाना, ठीक है, आपका इम्पेरेटिव है, मस्ट है, उसके बिना नहीं हो सकता, तो कैसे कहो आई वॉज हेल्प, ठीक है ना, आई वॉज हेल्प बाई हिम को पहले लगा दो, आई वॉज हेल्प बाई हिम टू बाई दिस हाउस, बाई दिस हाउस के बाद में लगा सकते हो, तो अब आपको टू लगाना पड़ेगा, अब भैया अपने आप सेंटेंस बनाओ यार, इसको तंग मत करो मेरे को, ठीक है, मेक का, और मैंने आपको सबके फ्रेज बनाए करो, मेक का फ्रेज क्या बनता है, टू मेक समबडी डू समथिंग, और इसमें मैंने कहा था कंपल्सन का सेंस होता है, कोई आप काम करा रहे हो उस आदमी से और वो काम जल्दी अपने उसकी मर्जी के एक तरह से थोड़ा बहुत खिलाफ तो हो ही रहा है तो होता है, ठीक है, इफ़ आई से ही मेक मी अटेंड ऑफिस ऑन संडेज, कौन आना चाहेगा संडेज को यार, तो जबर से करवाया, ये मेड था, सॉरी हम बच्चों समय आया, आपके बॉस ने आपको, ठीक है, प्रेशर डालकर संडे को ऑफिस अटेंड करवाया, ही मेड मी, सॉरी मी लिखना भूल गया, अब मेरे भी ना बत्ती जलबुझ हो रही है, ही मेड मी अटेंड ऑफिस ऑन संडेज, ठीक है, अब इसको पूछूंगा आपको अटेंड क्या है, तो बेयर इन्फिनिटिव है, मेक के बाद में ये होता है, मेक समबडी डू समथिंग, डू आपका बेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन जब पैसिव फॉर्म बनाओगे तो टू बार आ जाता है, ये तो प्रूव करता है कि ये आपका इन्फिनिटिव है, तो मी मेड मी बिकॉज आई वॉज मेड, अब टू अटेंड हो जाएगा,
बाकी सेम अपने आप लिखो, टू अटेंड ऑफिस ऑन संडेज, बाद में लगा दो, आज जब नहीं हो रहा तो बाई हिम, आई होप कि समझ आ गया। तो मेक समबडी डू समथिंग, ये फ्रेज है, ठीक है ना। और पैसिव, ये एक्टिव फॉर्म का एक्टिव वॉइस में ये उसका फ्रेज बनता है। पैसिव होना बी मेड, इसलिए फ्रेज बनाया करो बीच बार, तुम बी मेड टू डू समथिंग होता है, ठीक है ना। ही मेड मी सिंग दिस सॉन्ग एट दिस पार्टी, एंड आई वॉज मेड टू सिंग दिस सॉन्ग एट दिस पार्टी, एट द पार्टी, ठीक है। ही मेड मी ड्रिंक एंड आई वॉज मेड टू ड्रिंक। आप जब बोलोगे यार तभी तो ठीक होगा भाई, बोलना तो हमने है नहीं, चक्कर ये हो गया ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, ठीक है। आप दूसरा सी का प्रयोग, आई सॉ हिम एंटर योर रूम, एंटर योर रूम, और इसमें एंटर क्या कोई कहेगा तो वेर इन्फिनिटिव है, एंड ही वॉज सीन टू एंटर, ही वॉज सीन टू एंटर योर रूम। तो बच्चों आपको समझ आ गया, मैं अभी वर्ड लिख देता हूँ, बाकी नहीं अपने आप करो, ठीक है ना। वॉच, हियर, और क्या था, बस यही है सब, दो सब क्या छोड़ना है आप, ठीक है ना। आप मैंने उसको लड़खड़ाते हुए और फिर रोड पे गिरते हुए देखा, आई वॉच्ड हिम स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब क्या, ठोकर खाना किसी चीज से, पाँव से, आई वॉच्ड हिम स्टम्बल एंड फॉल ऑन द रोड, इसका अर्थ हो गया मैंने उसको लड़खड़ाते हुए रोड पे गिरते हुए देखा, ठीक है ना। ही वॉज वॉस्ट, ऐसे हो जाएगा, ही वॉज वॉस्ट टू स्टम्बल, हो गए। आई हर्ड हिम से समथिंग, मैं लिखी देता हूँ आपको, टू योर फादर, पैसे में क्या बनेगा, ही वॉज हर्ड, ही वॉज हर्ड, अब से नहीं आ सकता, टू से बोलना पड़ेगा, टू से समथिंग टू योर फादर बाय मी। आई होप कि समझ आ गया बच्चों, वो सिंपल सिंपल सा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा यार। अब आ जाओ कि हाउ टू डील विथ इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसमें दो एक छोटी सी बातें लें, थोड़ा कितना रह रहा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तीन चार चीज़ मुझे लगे, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा 30 मिनट्स का, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता है बताओ बच्चों, इसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, आदेशात्मक, लेकिन जरूर नहीं इनमें आदेश ही हो, है ना, ये जरूर नहीं कि मैं जो लाइट ऑन करना भूल गया, ये जरूर नहीं हो कि ये आदेश ही हो, ये कह रहा हूँ आप, ठीक है, आदेश ही हो, ये सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये वर्ब से शुरू होते हैं, इनकी बनावट क्या है, वर्ब से। अब इसमें दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ क्लोज द डोर, तो वर्ब ट्रांजिटिव कब होती है आपको पता है, जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, क्लोज द डोर, ठीक है ना। तो इसमें लेट का प्रयोग करना है आपने, और आपको मैंने क्लोज का बताया था, बी अगर अलग फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्लोज, तो पैसिव फॉर्म होता है बी क्लोज, इसमें लेट का प्रयोग करना आपको जरूर होगा, लेट द डोर, क्लोज का जो ऑब्जेक्ट है द डोर पहले आ जाएगा और बी क्लोज हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज, ठीक है। और इसमें अगर किसी ने आगे लगा दिया यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये वाला प्रयोग आपने तब करना है जब आपकी वर्ब इंटेंसिटिव हो, यानी उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे आपको कहो स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ, तो इसका पैसिव फॉर्म वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन अपने आप बनाया जाता है, एग्जाम में आता है तो क्या करें, तो पढ़ाना ही पड़ता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपने लगाना है यू आर ऑर्डर टू स्टैंड देयर। ये भी समझ आ गया बच्चों की नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यार, ठीक है, ये आपने सीखना है। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि ये सजेशन है, तो उसमें जैसे अगर आपको कहूँ ओबे योर पेरेंट्स, एक तरह की एडवाइस है ये आपको अपने माँ बाप की, ठीक है ना, तो इसमें शुड का प्रयोग कर सकते हो, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ठीक है ना, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, ठीक है, शुड का प्रयोग करो, ये शुड आपका एडवाइस है, योर पेरेंट्स शुड बी, पैसे फॉर्म बन गया, शुड बी प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म, पैसे फॉर्म बन गया, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, हो गया।
आपके पापा आपको कह रहे हैं लिसन टू मी, तो ऐसे लेट से बनाओ, क्या हो गए, क्या बनाओगे, लेट मी बी लिसन टू, अच्छा लगता है तो बोलो आई शुड बी लिसन टू, आई शुड बी लिसन, मुझे मेरी बात सुनी जानी चाहिए। तो छोटी चीज़ें बच्चों, एक में आएगा नहीं यार, ये आएगा नहीं आप, ठीक है। और अगर सेंटेंस में वर्ब वो हो, जैसे रीड इट लाउडली, इसमें तुम चाहो तो आप रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, रिक्वेस्टेड टू, जैसे आपने कहा यू आर रिक्वेस्टेड, वैसे वो बन गया, ठीक है ना, आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट। और इसको तो रीड के आगे ऑब्जेक्ट है यार, तो इसको लेट भी लगा सकते हो। अगर इट हटा दो तो ऐसे बनाओगे जो मैंने अभी बनाया, समय आया कि नहीं, रीड लाउडली अगर ऐसा हो तो अब आपने ऐसे बनाना जिसमें बताइए और रिक्वेस्टेड टू रीड लाउडली, ठीक है। चलो ये भी एक सिखलाई होगी, और इसमें ऑब्जेक्ट हो तो ये दोनों तरह से बन सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। रीड इट तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो लेट का प्रयोग कर सकते हो आप। लैंग्वेज के साथ में खेला जाना चाहिए, है ना, तो कहोगे लेट इट बी रेड, लेट इट बी रेड लाउडली, तो उसको रेड प्रोनाउंस करना, स्पेलिंग वही है, लेट इट बी रेड लाउडली, बचो। एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा, तो अगले वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, मेरे कमरे में एसी तो है नहीं, गरीब आदमी हो तो कूलर भी है, लेकिन कूलर की आवाज़ आती है, तो गर्मी में बुरा हाल है। देखो ये लाइट ऑन करना भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके बाय।